राकेश कुमार यादव, ये जो नाम है मीरा भाईंदर से लेकर वसई तक में वर्सोवा जाने वाला जो ब्रिज है वहां के इलाके में एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जेसीबी चालक जो वर्सोवा जाने वाला रोड है उस जगह डैम का जो काम चल रहा है, बांध का जो काम चल रहा है, उस डैम के अंदर काम के दौरान जेसीबी चालक जो है वो अंदर गया 60-70 फुट नीचे और अभी तक उसको निकाला नहीं जा सका है। मामले को तकरीबन 14 दिन का वक्त बीत चुका है लेकिन फिर भी अभी तक कोई कठोर कार्यवाही इस पूरे मामले पर नहीं हुई है। मैं उस ब्रिज पर मौजूद हूँ जहां पर इस वक्त देखिए मैं कैमरा पर्सन को बोलना चाहूंगी कि दिखाएं कि किस तरीके से अभी इस वक्त काम चल रहा है। ये स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है क्योंकि दो दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से अब गुंजाइश जो है धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमने अधिकारियों से बात नहीं की या फिर हमने एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात नहीं की, एनडीआरएफ के अधिकारियों से हमने बात की, उनका कहना है जो हमें सुपरवाइज कर रहे हैं वो रात तक तो यही थे, दिन में अभी इस वक्त वो कहीं गए हुए हैं तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड एनडीआरएफ के जो कर्मचारी हैं उनसे हमने जब बात की तो हमने सीधा सा सवाल पूछा कि कितना और समय जाएगा राकेश कुमार यादव को निकालने के लिए। उनका जवाब सिर्फ एक था कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 3 दिन पहले भी यही कहा जा रहा था कि कुछ कहा नहीं जा सकता, अब 14 दिन बीत चुके हैं तब भी यही कहा जा रहा है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। सवाल एक ही है कि जब कुछ कहा नहीं जा सकता तो परिवार को झूठी उम्मीदें, झूठा दिलासा क्यों दिया जा रहा है और सरकार की तरफ से इस पर कोई कठोर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। संजय निरुपम देखिए यहाँ पर आकर गए और उन्होंने जो कुछ कहा वो साफ सीधे तौर पर कह के गए। एलएनटी के अधिकारियों से उन्होंने बात की है, काम में जल्दबाजी करने की बात की कि जल्दी जल्दी काम को कीजिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जो खुशखबरी वाली खबर है दोस्तों वो निकलकर सामने नहीं आई है जिससे एक उम्मीद की किरण जो है वो जागे। हम नीचे भी जाएंगे और नीचे का जायजा क्या है, नीचे की स्थिति क्या है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि घटना स्थल पर इस वक्त परिवार की क्या हालत है, परिवार किस हालात में वहां पर सो रहा है या परिवार किस हालात में वहां पर इस वक्त रात तक रहा है कि किस तरीके से उनको निकाला जाएगा राकेश कुमार यादव को या नहीं, ये भी देखने का प्रयास करेंगे और वहां जो स्थिति है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर उसी हादसे की जगह की तस्वीर है जहां से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि राकेश कुमार यादव वो जेसीबी चालक जिसके एक हादसे में अभी तक आप कह सकते हैं कि हादसे की वजह से वो अंदर गए 60-70 फुट नीचे पानी में गए, अभी तक उनको निकाला नहीं जा सका है। जब इस पूरे मामले को तकरीबन 2 से 3 दिन बीते थे तब भी बहुत दबाव बनाने की कोशिश की गई प्रशासन पर कि किसी तरीके से यहाँ जो प्रशासन है वो थोड़ा सा और ज्यादा चौकन्ना हो जाए और प्रशासन जल्दी काम करे, जल्दी से उनको निकालने का प्रयास जो है वो किया जाए। लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे इस पूरे मामले को, तकरीबन आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को 14 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। एलएनटी कंपनी जिसकी बात बार बार सामने आ रही है, वो कंपनी जिसने इस पूरे मामले, इस पूरे प्रोजेक्ट का ठेका लिया था, उस कंपनी का नाम सामने आ रहा है कि कंपनी की तरफ से कोताही बरती जा रही है और जल्दी काम नहीं किया जा रहा है, तो उस कंपनी से भी पता करने की कोशिश देखिए की गई है। संजय निरुपम का जैसा कहना था कि कंपनी से भी बात करने की कोशिश की गई है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्यवाही हो, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही ना होना ही अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों महाराष्ट्र में मानसून का सीजन आ चुका है और ये जो हालत अभी आप देख रहे हैं तकरीबन 4-5 दिन पहले तक तो यह हालत नहीं थी, लेकिन अभी यह हालत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बारिश हुई है और 2 दिन बारिश बहुत झमाझम बरसी है। ऐसे में ये जो हालत है ये और ज्यादा बिगड़ सकती है अगर बारिश जो है वो लगातार हुई तो इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि बारिश से पहले अगर सतर्कता बरती जाती, अगर 2 से 3 दिन में ही एकदम सतर्क होकर निकालने का प्रयास किया जाता तो हो सकता था कि यह हालत नहीं होती, क्योंकि बारिश की वजह से हालत और ज्यादा खराब हो गई है। अंदर हर जगह मिट्टी की वजह से कीचड़ है, यहाँ पर भी कीचड़ है, अंदर जाना मुश्किल है, जो लोग अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। मैं इसी के साथ साथ कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगी, दर्शन भाटकर को कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा नजदीक आए और ये जो पूरा एरिया है दोस्तों ये हम आपको दिखा चुके हैं इससे पहले कि इस पूरी जगह पर, ये जो पूरी आप जगह देख रहे हैं जब से हम कवरेज कर रहे हैं लगातार हम यहाँ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, लगातार हम आपको यहाँ की स्थिति जो है वो दिखा रहे हैं। परिवार की हालत आप देखिए, क्योंकि बारिश हुई है इसलिए परिवार इस वक्त पत्रा लगाकर
ये जिस जो बारिश से बचने के लिए पत्रा होता है वो खुद ही लगाकर खुद ही इंतजाम करके परिवार यहाँ पर सोया हुआ है, ऐसा आसपास के लोगों ने जानकारी जो है दी है। सबसे बड़ा सवाल देखिए ये उठता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभी तक राकेश कुमार यादव के परिवार को किसी तरीके की कोई सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं करवाई गई है? उनके लिए इंतजाम होना चाहिए था, उनके रहने का इंतजाम तो कम से कम कर देना चाहिए था। अभी तक परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, सब इस वक्त सड़क पर सोने के लिए मजबूर हैं। बारिश का मौसम जो है वो आ चुका है, बारिश की वजह से लगातार जो स्थिति है यहाँ की वो और ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। ऐसे में परिवार का इस हालत में सोना सड़क पर, ये क्या प्रशासन को दिखाई नहीं देता या किसी नेता को दिखाई नहीं देता? चुनाव तक सब कुछ ठीक था, चुनाव बाद कहां गए सब लोग? गायब हो गए हैं, लुप्त हो गए ऐसा लग रहा है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, एमबी लाइव लगातार राकेश कुमार यादव को निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता है, कार्यवाही क्या होती है, इस पर अपनी नजर बनाया हुआ है। दोस्तों हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस पूरे मामले पर हमारे साथ आप बने रहिए। कैमरा पर्सन दर्शन भाटकर के साथ मैं जयंती झा, एमबी लाइव।